तो दीपावली के कुछ दिन बाद मनाया जाने वाला देवउठनी त्योहार आज है। यह त्योहार देवउठनी एकादशी से भी जाना जाता है। पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वहीं आज के दिन तुलसी माता की पूजा अर्चना के साथ तुलसी विवाह का भी आयोजन होता है। आज ही के दिन से मांगलिक कार्यों की भी शुरुआत होती है। इधर देवउठनी एकादशी को लेकर राजधानी रायपुर में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। तुलसी माता के मंडप सजाने में उपयोग होने वाले गन्ने के साथ पूजा के सामान की खरीदी करने लोग बाजार पहुंच रहे हैं। दीपावली के कुछ दिन बाद मनाया जाने वाला देवउठनी एकादशी त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है और राजधानी रायपुर में भी बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। और जो एक तरीके से एकादशी जो देवउठनी एकादशी है उसका जो प्रतीक माना जाता है, जिसके माध्यम से मंडप बनाकर माता तुलसी की पूजा की जाती है, गन्ना वो यहाँ पर मार्केट में बिक रहा है। बड़ी संख्या में लोग गन्ने की खरीदी के लिए पहुँच रहे हैं। इसके अलावा जो देवउठनी एकादशी में जिस चीज़ों का इस्तेमाल होता है पूजा में, उसकी भी खरीदारी यहाँ पर हो रही है। और आज ही के दिन ये कहा जाता है कि जितने मांगलिक काम हैं, जो शादी का मुहूर्त हो या कुछ अन्य चीज़ों को लेकर मुहूर्त की बात हो, वो आज से ही तमाम जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। और ये शास्त्री मार्केट है राजधानी रायपुर का। लोग गन्ने की खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं। जो यहाँ के व्यापारी हैं गन्ने के, उससे बातचीत करते हैं। कहाँ से लाए हो आप लोग? बिलाई से लाए भैया। बिलाई से आता है ये माल, और गन्ने की जो गाड़ी होती है वो वहीं बिलाई से जाती है। वहाँ पे नहीं नहीं बोल के मतलब 20 से 25 गाड़ी आती है गन्ने की। और डिमांड कितना है ज़्यादा? डिमांड तो भैया वैसी लग नहीं रही जिस तरह, मतलब बोलते हैं शास्त्री बाजार सबसे बड़ा मार्केट रायपुर का, बट उस टाइप का मार्केट नहीं है इस बार। ऐसा है तो ऐसा हलचल तो लग नहीं रही है, ऐसा हो गया इस बार। गन्ने सबके बस पर्याप्त पड़े ही हुए, अभी किसी का सेल हुआ नहीं है। क्या मान रहे हैं, क्यों खरीदारी नहीं हो रही? जगह जगह गन्ने बिक रहे भैया। अब पहले ऐसा मार्केट भी नहीं रहा शास्त्री बाजार ऐसा है। देखिए लोग गन्ने की खरीदी यहाँ पर कर रहे हैं, और जो गन्ने के व्यापारी हैं जो गन्ना बेच रहे हैं उनसे हमने बातचीत की। उनका भी कहना है कि गन्ने ज़्यादा बिकने की वजह से इस बार मार्केट उस तरीके से नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग गन्ने की खरीदी करने पहुंच रहे हैं। जो देवउठनी एकादशी में जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है, पूजा में जिस चीज़ का प्रयोग होता है, उसकी भी खरीदारी करने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कैमरामैन गणेश निषाद के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर। और इसी के साथ बुलेटिन में बताएं, कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।